नमस्कार दोस्तों, यह है 45 फीट बाय 35 फीट में बना हुआ कंस्ट्रक्शन। आज देखते हैं इसका कंप्लीट वॉक थ्रू। ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, इसमें पूरा डुप्लेक्स पैटर्न कंस्ट्रक्शन किया हुआ है। ये हॉल है, ड्राइंग हॉल। इसका साइज 17 फीट बाय 20 फीट 6 इंच का है। ये स्टेयरकेस है 4 फीट विड्थ की। ये मिड लैंडिंग है, मिड लैंडिंग से ऊपर 10 फीट हाइट पे इस स्लैब पे एंट्री है। पूरा ऊपर एक डक्ट दिया है डुप्लेक्स पैटर्न। ये अभी हम आगे डाइनिंग के वक्त आगे जा रहे हैं। यह है डाइनिंग हॉल। डाइनिंग हॉल और पूजा रूम दोनों एक ही साथ हैं। ये कंप्लीट 19 फीट 4.5 इंच बाय 7 फीट 3 इंच का डाइनिंग हॉल है। ये किचन है 14 फीट बाय 12 फीट 7.5 इंच का। ये POP के चैनल्स सब लगे हुए हैं, अभी POP बाकी है। ये विंडो दी है 2.5 फीट हाइट की। किचन में 2.5 फीट हाइट की विंडो देना चाहिए। बीच में एक डोर दिया है। ये डाइनिंग का एरिया है और पूजा रूम का एरिया है। ऊपर POP बीम को छुपाने के लिए POP दोनों साइड्स इक्वल में की है। ये एक स्टोर रूम दिए हैं। स्टोर रूम का साइज 8 फीट बाय 5 फीट का स्टोर रूम है। स्टोर रूम का डोर ये बाहर खुल रहा है ताकि अंदर ज़्यादा स्पेस मिले। ये फिर हम हॉल में आए हैं। हॉल पूरा ऊपर तक खुला हुआ है 18 फीट तक। हॉल के बाजू में एक ये बेसिन दी है। बेसिन के बाजू में एक टॉयलेट है। टॉयलेट का साइज है 8 फीट बाय 5 फीट का। ये एक बेडरूम है। ये बेडरूम का साइज है 12 फीट बाय 15 फीट। सब POP के चैनल लगे हुए हैं। दो साइड क्रॉस वेंटिलेशन दिया है विंडो का। ये डोर है बेडरूम का 3 फीट बाय 7 फीट का। बेडरूम से बाजू में एक टॉयलेट दिया है 8 फीट बाय 5 फीट का। ये एक ही टॉयलेट है ग्राउंड फ्लोर में, जनरल टॉयलेट है। इसमें भी POP के लिए चैनल लगाए हुए हैं। हॉल काफ़ी बड़ा है। हॉल का साइज 17 फीट बाय 20 फीट 6 इंच का है। ये मेन डोर है 3.5 फीट बाय 7 फीट का। यहाँ से हम ऊपर जा रहे हैं फर्स्ट फ्लोर के लिए। ये टोटल 18 स्टेप्स हैं, जिसमें राइजर 7 इंची के राइजर दिए हैं और ट्रेड 10 इंची के ट्रेड दिए हैं और 4 फीट विड्थ है। ये बालकनी में आ गए हम। ये फर्स्ट फ्लोर की मास्टर बेडरूम है। मास्टर बेडरूम की साइज 12 फीट बाय 15 फीट की है। ये POP के चैनल्स लगे हुए हैं। डिज़ाइन के हिसाब से POP के चैनल सब फिट हो गए हैं। इलेक्ट्रिक वायरिंग बाकी है। ये बालकनी में जाने के लिए डोर दिया है 2.5 फीट बाय 7 फीट का। ये दो साइड क्रॉस वेंटिलेशन के लिए विंडो दी है। एक ये अटैच टॉयलेट दिया है मास्टर बेडरूम में 8 फीट बाय 5 फीट साइज का। इस बेडरूम से हम जैसे ही बाहर आते हैं, ये बालकनी में आ गए। यहाँ से नीचे का अपने को हॉल दिखता है। ऊपर में भी POP का काम शुरू है। POP की डिज़ाइन पूरी बनी हुई है। ये डिज़ाइन फाइनल होने के बाद हम फिर से एक अपना वीडियो बनाएंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर लिखिए।
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि अगला वीडियो आपको जल्दी से जल्द नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों, यहाँ स्लैब के बीम की डेप्थ 600 mm है, इसलिए POP पूरा नीचे उतारना पड़ा है 600 mm।